Okay, good afternoon. आज सभी का इस चेक डिस्ट्रीब्यूशन में स्वागत है और हमारी आशाएं अच्छी हैं. और साथ में कहते हैं ना कि अपने पास बाती हो, दिया हो, लेकिन तेल ना हो तो कैसे दीपक जलेगा. तो आज हमारे सामने उपस्थित हैं आनंद आश्रम के वो लोग जो आप तक, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमें डोनर्स, जिनके मदद से हम लोग आप तक मदद पहुँचाते हैं. क्योंकि हम लोग तो सिर्फ क्या है, एक माध्यम है, सोर्स है. और आपको जो पढ़ने की धधक है वो इनके माध्यम से पूरी होती है. तो आइए सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं आनंद आश्रम के सबसे आधार स्तंभ, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई सपना देखता है और पूरा हो जाए तो अपने सपने तो पूरे सभी लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपके सपने भी उनके सपने के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरे होते हैं. तो मैं स्वागत चाहूँगी श्री छाबड़ा सर का. ठीक है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सभी लोग ट्रस्टी उपस्थित हैं, जो बहुत कम हो पाता है. तो मैं अशोक शाह सर का स्वागत करूँगी. श्री अशोक शाह सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं. मिसेस नीता शाह, वो आप सबकी आशाएं बच्चियों के लिए स्पेशल, उनका जो आशीर्वाद हमसे मिलता है, वो जब से ये संस्था खुली है तब से उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है और आप लोगों को इसके माध्यम से मिल रहा है. मैं स्वागत करूंगी श्री जगदीश ठक्कर जी का, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. हमारे आनंद आश्रम के ट्रस्टी हैं और विशेष आप बच्चियों के लिए उनका प्रेम है आनंद आश्रम के साथ. और आज उपस्थित हैं हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति जो श्री कवीश्वर कालांबे जी और हंट्समैन एक कंपनी है जो हमसे कोलैबोरेट हैं और गांव के लिए, विलेज के लिए बहुत काम कर रहे हैं. हम लोग आनंद आश्रम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं. सर भी उपस्थित हैं. और अभी मैं स्वागत करती हूँ आशाएं प्रोजेक्ट, जिनके साथ आप जुड़े हैं. आपको पता ही होगा आनंद आश्रम बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट जिसके साथ आप जुड़े हैं वो है आशाएं, जो लीडिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मदद स्वरूप जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं वो देते हैं. तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, उसके हम जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं वो हैं श्री रमन सर. मैं उनका स्वागत करूंगी. हमारे ट्रस्टी हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं साथ में. आप सभी बच्चियां एक नाम सब जानते हैं जो यहां पर उपस्थित हैं. कोई बताएगा जो हमारे आशाओं के चेयरपर्सन हैं और आप सबके कांटेक्ट में हैं? प्रदीप सर. तो प्रदीप सर और मैं भी, आप लोग जानते हैं कि मैं भी उनके साथ में हूँ. हम लोगों की आशाओं की छोटी सी टीम प्यारी सी आप लोगों के लिए काम कर रही है. और आज हमारे बीच में नेहा शर्मा जी उपस्थित हैं, आप लोगों को मदद करते हैं. और मैं सर से अनुरोध करूँगी कि बच्चियों के लिए आशीर्वचन कहें. अशोक सर से भी अनुरोध करूँगी और ठक्कर सर से भी अनुरोध करूँगी कि आप लोग, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं बच्चियों जो ऐसे मुकाम पर हैं जिनके अनुभव की हमें ज़रूरत होती है, आप लोगों को ज़रूरत होती है. क्योंकि अभी आप कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह हैं और पक जाने के बाद कुछ नहीं उसमें परिवर्तन कर सकते. तो अभी आप इस मकाम पर हैं कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अगर इनका अनुभव आपको मिलेगा तो आपके जीवन की दिशा में एक जो गति आएगी वो आएगी. तो मैं सर से निवेदन करूँगी कि सर प्लीज़ बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहें. नमस्कार, मेरा नमन. वैसे तो आप इस परिवार के सब बड़े हैं. दो मेंबर्स जिनकी उपस्थिति कम रहती है वो आज हमारे साथ मौजूद है. पहले तो केक के ऊपर जो चेरी होती है, चेरी कौन से कलर की होती है? रेड. तो यहाँ रेड कौन बैठा है भाई? सो कवीश्वर जी, यू आर अवर चेरी ऑन द केक फॉर टुडे, यू नो. और आप हमेशा इसी तरीके से चेरी बने रहे, उसमें हमें खुशी होगी, यू नो. दूसरे, आप सब हमारी बच्चियां हो और हमारी एक बड़ी बच्ची, आपकी दीदी,
हमारे आनंद आश्रम के बहुत सीनियर वड़ील डॉक्टर शशिकांत जी शर्मा, उनकी बेटी नेहा। बैठिए। सपने क्या हमेशा सच होते हैं? क्या कहना है बेटा लोग आपका? जरूर होते हैं बच्चों। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं, आज लिखित में, यह बहुत डिफिकल्ट है बोलना लिखित में, क्योंकि कल को वो चीज सामने प्रूव हो जाएगी। यदि आपके सपनों में दम है, यदि आपने उस सपने को अपने अंदर के कण कण में उतार दिया है, यदि आप उस सपने को एकदम पकड़ के रखा है, यदि उस सपने को आपने अंतरात्मा के साथ जोड़ दिया है, तो गारंटी है वो आपके सब सपने साकार होंगे। मेरी 64 वर्ष की उम्र है, मैंने बचपन से जो सपने देखे युवानी में पूरे हो गए, युवानी में सपने देखे वो बड़ी उम्र होते होते पूरे हो गए, और जब 50 साल की उम्र में पहुंच के नए सपनों की लिस्ट बना दी ईश्वर आप सभी की मदद से, आप सभी के इन्वॉल्वमेंट से, आप सभी बैठों के आशीर्वादों से, वो सपने ईश्वर इन बच्चियों के पूरे कर रहे हैं। तो हम आप सभी के आभारी हैं इन बच्चियों के प्रति का, जो आपका प्रेम है वो इसी तरह ईश्वर बनाए रखें, वो विनती है। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बच्चों, आप इस इनविटेशन पर आनंद आश्रम में आए हैं, हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए। बहुत सपोर्ट जो हम दे पाएंगे वो देंगे, और प्यार तो ढेर सारा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं तो चाहूँगी कि हमेशा आप लोगों को जितना ज़्यादा सुनने को मौका मिलेगा, ये मौके हमें आपके पास कम आएंगे, तो उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो आज मैं अभी इनवाइट करूँगी सर को कि प्लीज़ कालम्बे सर, आप बच्चियों के लिए ज़रूर कुछ बोलें। 27 नवंबर वाले केस में वो तो तथा अस्तु कह दिया, पर शायद हमारी चाह आपके लिए ज़्यादा तीव्र थी, तो हमें आज का ये सुनहरा मौका मिल गया आपको साथ पाने का। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि छाबरा साहब ने और आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के सब ट्रस्टियों ने ये प्रोग्राम का पार्ट बनाया। एक्चुअली आज मैं बेटी और उनके फ्रेंड के साथ आया था इनसे मिलाने के लिए कि कैसे सोशल कॉज करते हैं, कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके मन में इतना प्यार भरा हुआ है वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं प्यार सोसाइटी के प्रति। सो थैंक यू सर फॉर इट। और जब भी उनसे मिलते हैं यू नो मेरा दिल भर आता है, ऐसे आँखों में ऐसी चमक जाग उठती है कि हम क्या कर सकते हैं। और जब भी ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि और कुछ करें, नया कुछ करें, बट आनंद आश्रम ऑलरेडी कर चुका होता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बड़ौदा पीपल। और आज के प्रोग्राम के लिए, जैसे आपको पता ही है यू नो हमारे इधर जो भी बेटियाँ हैं और जो भी स्त्री है उनको देवी का रूप मानते हैं, और देवी का रूप तभी क्या बोलेंगे उसको परिवर्तित होगा सोसाइटी में, जब भी हमारा नज़रिया बदलेगा, हम उनको डेवलपमेंट होने देंगे, हम उनको हर इसमें सपोर्ट करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक फेमस बुक है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे, खास करके पुरुष वर्ग के लिए और स्त्री वर्ग के लिए, आपको अभी लगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आप देखना वीनस कितना है, जिसको भी नवग्रह पता है ऐसा छोटा सा, मार्स कितना बड़ा है। हाँ, तो पुरुष ऐसा होता है मार्स जैसा, जिसमें यू नो आपको ऑरेंजेस दिखेंगे, लॉट ऑफ ऑरेंजेस, मतलब थोड़ा टेम्परामेंट हाई रहेगा। और वीनस कैसा रहेगा, एकदम शॉर्ट है, एकदम शाइनिंग स्टार है, करेक्ट। सो जब भी आपको कभी लगता है तो जस्ट ये दो ग्रह अगर देखेंगे तो कुछ भी मैटर हो आगे लेके जाने में आपको आसानी होगी। और
मैं यही चाहूँगा कि आप जैसा छाबरा साहब ने उनके उद्बोधन में कहा, आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, जो मेहनत करता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे जितने भी डायस पे बैठे आप हर एक का वन टू वन में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा आज ये यहाँ पे क्यों है। उन्होंने साधना की, फुल मेहनत की, और साधना कोई भी इसमें अगर मन से किया जाए तो उसको तप का मनोबल मिलता है और वो पूरा ही होता है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, खूब मेहनत कीजिए, खास करके आपके 99 चीज़ रहेंगे आपके जीवन में कि आप निगेटिविटी की तरफ जाए, आप एक ढूंढिए जिससे आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, और वो एक ही आपको जीवन में आके लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वाह, वेरी गुड। छाबरा जी, हमारा आनंद आश्रम का मैनेजिंग ट्रस्टी, बदा बीजा ट्रस्टी, भाइयों बहनों, अने तमने के रीते बोलाऊँ ये मने हूँ विचार करतो हतो, कारण के आटला वर्षों में पहली वक्त मारी मारा छोकराओ, मारा दीकरो दीकरी से एमना करता भी तमे नाना छो, एटले तमने हूँ केवी रीते बोलाऊँ ए मने हूँ विचारतो हतो। आई डोंट नो, पण माय वेरी डियर डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक आइडियली अत्यारे मारा छोकराओ साथे मारा संबंधों एक फ्रेंड तरीके राखवानो प्रयत्न करूँ छूँ, एटले तमने तमने भी हूँ एक फ्रेंड तरीके कहूँ छूँ। सौथी पहला तो ईश्वरनो आभार मानूँ छूँ के तमने बधाने आजे मळवानो आ एक अवसर मळ्यो छे, अने मने लागे छे तमारी पासे भणवा माटे जो तमारी इच्छा होय, प्रबल इच्छा होय, तो अत्यारे भणवाने माटे कोई ज वस्तु वच्चे आवी शके एवी नथी। अत्यारना वडोदरामां तमे जुओ तो तमने भणवा माटे कोई तकलीफ, कोई रिसोर्सिसनी तकलीफ नहीं पड़े ए पाक्कू छे। एटले मारू तमने एम कहेवुं छे के तमे तन मन अने धनथी भणवा उपर लागी पड़ो, अने ईश्वर ने प्रार्थना करूँ छूँ कि तमारी बधानी इच्छा, भणवानी इच्छा पूरी करे, तमारा स्वप्न भविष्य में मोटा थाओ, अने तमारा स्वप्नों ईश्वर पूरा करे, अने फरीथी तमे मोटा थाओ ने फरीथी तमने बहु सारी रीते जोवामां जोवाने माटेनी इच्छा राखो छूँ। तमे अत्यारे तो मने लागे तमे कॉलेज में छो, तमे ग्रेज्युएट थई जाओ, ग्रेज्युएट थया पछी तमे मास्टर्स करो, खूब भणो, अने तमने ए रीते जोवानी इच्छा छे। फरी ईश्वर ने प्रार्थना करूँ छूँ कि तमने बधाने खूब खूब भणवानी ऑपोर्चुनिटी आपे, तमे खूब खूब भणो। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कई कई भाषा समझो छो? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, बधो? वेरी गुड, नाइस। पूछवू सारू ने? हमारे आनंद आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी छाबड़ा जी और हमारे हंसनजी से आए हुए कलम भी सर, अशोक भाई, नीता भाभी, ये मेरे साले साहब हैं तो, और हमारे यहाँ जो बैठे हैं जो हमेशा मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ उसे ज़्यादा इज्जत देते हैं, हमारे प्रदीप भिंडे जी, और ये वन्ना जी हमेशा कहती रहती है कि सर मैं आपके साथ हूँ तो आई एम ऑलवेज फीलिंग सेफ फॉर अ पर्पज़ ऑफ द प्रोग्रामिंग। और मनोज सर अभी आए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रमन जी और नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो चीज़ आज आप देख रहे हो यहाँ पे आशा है कि वो मुझे बिल्कुल याद है, जब छाबड़ा जी ने चालू किया था तो एक टारगेट था हमारी 11 बच्चियों को सिखाने पढ़ाने का, ओनली 11 गर्ल्स। आप आज देखिए एक आंकड़ा कहाँ तक पहुँच चुका है। रमन जी क्या बता सकें कितना तक पहुँचे? 1000। ग्यारह बच्चियों को पढ़ाना है ऐसा एक संकल्प किया, पर हमें से वो संतुष्ट थे कि 11 बच्चे को हमने पढ़ा दिया, लेकिन जैसे वो काफिला आगे बढ़ता गया वो इस तरह से आज एक ये आंकड़ा 1000 तक पहुँच गया। तो देर इज ऑलवेज से इन गुजराती देर इज लॉट ऑफ पीपल हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस कि सफलता जिंदगी नहीं हस्तरेखा में नहीं होती। ये आपकी जो लाइन है, लकीर है,
आप कभी ज्योतिष को दिखाते होंगे कि मेरा हाथ देखो उसमें क्या है, सब की लाइन ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन वो जो ज्योतिष होता है पढ़ के बताता है कि हाँ बहुत पढ़ोगी, वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है नहीं बिल्कुल, किसी बोलता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, बोलता है आपकी शादी नहीं होने वाली, यू नो। तो सफलता जिंदगी नहीं हस्तरेखा में नहीं होती अने चढ़ेली इमारत कभी नक्शा में नहीं होती। वाह वाह। जो मैप होता है वो मैप होता है, ये बिल्डिंग है उसमें नहीं होती कभी। तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप आगे बढ़ोगे, आप इतना ही करोगे अने परिश्रम करीने जे भाग्यनी पूजा करी ले छे जे छाबड़ा साहेबे करी छे, परिश्रम करीने जे भाग्यनी पूजा करी ले छे, बहु सांभळवा जेवू छे, परिश्रम करीने जे भाग्यनी पूजा करी ले छे ए धूळमांथी ए रतन पैदा करी ले छे। ऐसे छाबड़ा जी आप है प्रभु, पता नहीं मुझे, आई थिंक मैंने बहुत कम बोला आपके लिए, थोड़ा और ज्यादा बोलना चाहिए आपके लिए। प्रभु प्रभु नॉट द लीस्ट प्लीज। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि जब मैं आपकी उम्र का था, आपसे बहुत कम था, स्कूल में पढ़ रहा था, आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल टाउन नवसारी जहाँ मैं पढ़ता था, तो आई हैड ओनली टू पेयर्स ऑफ माई ड्रेस, वो खुद धोता था, खुद इसको आयन करता था, सिर्फ एक ही पैर मेरे पास जूता था, पैदल चल के जाता था। जब मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग ऑन द फुट गोइंग टू माई कॉलेज, आई वॉज अ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। उसके बाद सेकेंड ईयर में आई गॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल, ट्यूशन भी जाता था, सब करता था, फिर बीकॉम हुआ यहाँ पे, 1 से 5 के नंबर के अंदर भी मैं पास हुआ। आई वेंट टू डू माई सी ए इन बॉम्बे, वहाँ पे भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे बिकॉज माई फादर वॉज वर्किंग इन अ बैंक, उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे बैंक के लिए, अभी तो बैंकर्स बहुत कमा रहे हैं। तो मैं ट्यूशन करता था वहाँ पे बॉम्बे में, एक नहीं 3-3, 4-4 ट्यूशन करता था, पढ़ के मैंने सीए किया वहाँ पे। तो मतलब अगर आप मेहनत करते हो, आप तो बहुत नसीब वाले हो कि ऐसे आर्यन आश्रम जैसी संस्थाएं हैं जो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये सपोर्ट जो आपको दे रहे हैं, जो अभी अशोक भाई ने बताया, छाबड़ा जी ने बताया, इसका मतलब यही है कि आप और ज़्यादा पढ़ो, ग्रेजुएट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके आगे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और कोई लैंग्वेज जाना चाहते हो वो करो, और एक ऐसा एक इतिहास आपको बनाना है, और आपके आने वाले जो दूसरे आपसे छोटे हैं उसको भी आपको एक मार्गदर्शन देना है, उसको गाइड करना है कि भी आपने किसी एक संस्था से आपसे कुछ आप थोड़ी मदद मिली, आप कहाँ तक पहुँच चुके थे, और उसके बाद अगर जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप भी कुछ अपनी जो कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा आनंद आश्रम को दे, जैसे आप जैसी बच्चियाँ और पढ़ सकें। वेरी गुड वेरी गुड ये परपेचुअल है, ये यहाँ गई अभी ये रुकने वाली गाड़ी नहीं है, ये आगे बढ़ने वाली गाड़ी है। और 27 तारीख को अगले रविवार को 3 बजे सहज नगर गृह में आपको अभी इनविटेशन मिला हुआ है, मैं बहुत आपसे बड़े विनम्र से प्रार्थना करता हूँ आप सब वहाँ पे ज़रूर आइए। मैं वो चीज़ कोई सीक्रेट यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता जो आपको वहाँ मिलेगी, और वो चीज़ आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि ये आनंद आश्रम की स्थापना कैसे हुई, कौन सी जर्नी से छाबड़ा जी वहाँ से गुजरे, कौन से हमारे ट्रस्टीगण उसके साथ जुड़े, और आज हमें बड़ा गर्व होता है। जैसे कलम्बी सर ने अभी आपको शायद बताया नहीं होगा, और आपको पता नहीं होगा कि कितना काम उसने हमारे आश्रम के लिए किया है, पीने का पानी का, आरओ वाटर का, एम आई राइट सर? यस सर। वो और सब चीज़ उन्होंने की है, और कोई भी आप उसके देखो कितने सिंपल है, मुंह पे थोड़ा सा भी कोई अभिमान नहीं है उनको, और ऐसे लगता है उनको देख के वो ये कुछ समझते हैं कि मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, आगे मैं और बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो ऐसे इंसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत डेडिकेटेड है, रमन जी है, बिंडे जी है, ये बहुत जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत बहुत डेडिकेटेड है। हम तो क्या थोड़े शोपीस है, आगे आते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि मैं टीवी पे आता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये इसको कहाँ देखा है, कहाँ देखा वो नहीं पता, लेकिन बोलते हैं देखा है कहाँ पे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ यहाँ से जुड़ी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो जीवन में, और आपका आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आप पे एक बहुत बड़ा एक ऋण है, एक डेट है आपके ऊपर, कि आप जिस तरह से पढ़ोगी बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन, और जैसे वो किसी ने बताया कि जो स्त्री एक शक्ति होती है, अगर आप देखो तो लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, जो लक्ष्मी भी
स्त्री है और माँ सरस्वती भी स्त्री है। जो दर्जा आपको दिया है सरस्वती का और लक्ष्मी जी का, वो किसी पुरुष को नहीं दिया। हाँ, विष्णु भगवान है, वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको पता है जब शादी होती है तो कौन सो और किसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपसे बहुत बड़ी एक विनम्र विनती, आप मत बोलना कि आपकी पढ़ाई में आनंद आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जब भी बड़े हो जाओ खूब बहुत पढ़ो, अच्छी आपकी नौकरी लग जाए, कोई बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो। और आपके जितने भी माँ बाप यहाँ पे आए हैं, पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनसे भी मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के एक विनम्र कहता हूँ कि आप उनको ज़रूर याद दिलाइए कि एक संस्था आनंद आश्रम नाम की थी जिसने आपको मदद की थी, आपकी जो ज़रूरत थी, और जब आप बड़े हो जाओगे आपके पास सफिशेंट पैसे होंगे, आप ये कर्ज कभी मत भूलना। जो आप करोगे आप जैसी हज़ारों बच्चियाँ और पढ़ेंगी, और अगर आप पढ़ोगे, ऐसे कहते हैं कि एक पुरुष को पढ़ाएंगे तो शायद वो नौकरी करेगा, लेकिन एक बच्ची को पढ़ाएंगे ना, वो घर के 5 आदमी को पढ़ाएगी। तो इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। तो भाई, आपके लिए आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूँ, और बहुत विनम्र से अगेन आपको विनती करता हूँ 27 तारीख को आप ज़रूर आइए, क्योंकि वो जो आप वहाँ पे देखेंगे ना, मैं अभी कोई आपको इट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई एम श्योर विल बी वेरी मच सरप्राइज। जो स्पीकर है वो जय वसावड़ा सर है, इज़ एन एक्सेलेंट ऑरेटर। आपको सुनेंगे तो आपको शायद 1 घंटा 2 घंटा क्या 5 घंटा बोलेंगे तभी आपको यू विल नॉट गेट बोर्ड। सोडी साहब आ रहे हैं जो अमूल के आपने देखा, और इंडियन आइडल में जो भी आते हैं अपने स्पॉन्सर करते हैं प्रोग्राम, टीवी भी तो देखते होंगे ना, कभी आपने देखा होगा, वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही है। तो आप ज़रूर वहाँ पे आइए, जाके बहुत जाके कुछ सीखोगे। बहुत मेहनत की है हमारे ट्रस्टीगण ने यहाँ पे, बिंडे जी ने, रमन जी ने, रति जी ने, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और वही आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। मैं भी आपको देखने मिलूंगा क्योंकि मैं स्टेज पे हूँ वन्ना जी के साथ। मैं भी कंपेयरिंग कर रहा हूँ, प्रोग्राम का कंपेयरिंग मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं उनके साथ बैठा हूँ, लेकिन काफ़ी सीखना है मुझे उससे। तो शी इज़ गोइंग टू लीड द होल प्रोग्राम, मैं उनके साथ से थोड़ा बैकअप में रहूँगा, तो क्योंकि वन्ना जी कहते हैं मैं गुजराती नहीं बोल सकती, तो मैं बोला ठीक है जो आप नहीं बोल सकती मैं बोल दूंगा। तो हम साथ में हैं, तो आप ज़रूर आइए। आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं आप सबको भी सादर निमंत्रित है, आप सब लोग वहाँ पे, कोई यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, इससे फ्री। अगर आपके पास कार्ड नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं, और आपके जो रिश्तेदार है, जो फ्रेंड्स है, उसको भी अब ये कार्ड सर्कुलेट कर लीजिए, और जो भी आपके इर्द गिर्द है, आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, सबको आप इन्वाइट करिए। आपको बोलिए कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ आपका आना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ वहाँ से आप सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। See the impact that it makes. You are a man of depth. जो बच्चों को सही ज्ञान चाहिए, values about आगे इन्होंने कैसा आने वाली बच्चियों के लिए करना है, you have expressed it so well. भिंडे साहब, वंदना जी, मेरा तो ये request है, जब जब कभी check distribution का program हो जगदीश भाई को तो साथ में, इट विल मेक अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस ऑन द लॉन्ग रन। यस, एंड अब क्योंकि मैं उठा ही हूँ तो भिंडे जी और वंदना जी, जो जिस तरीके की श्रद्धा, थोड़ा सा साहब आप पधार लें सीट पे, यस, जो 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 श्रद्धा, ये सब इतने इतनी मेहनत का काम है, हम तो कुछ कुछ मिनट बोल के बैठ जाते हैं, पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इनका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करना, सलाम भिंडे साहब आपको, वंदना जी, बहुत बहुत तगड़ी मेहनत है। यह सर्टनली। थैंक यू जगदीश जी फॉर दैट प्रपोजल, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, यू नो, रियली वेरी वेल डन। इन सबके बोलने के बाद, इन एक्सपीरियंस लोगों के बोलने के बाद तो मैं क्या ही बोलूं? ऑल माई थिंग टू से इज़ के बहुत कम जनों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप खुद ही सोच लो, देर आर सो मैनी पीपल जिनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सिचुएशंस ऐसी आती है, नहीं पढ़ सकते हैं, नॉलेज है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एनी अदर इश्यूज, नहीं कर सकते। तुम्हें ये प्लेटफॉर्म मिला है, इन लोगों का सपोर्ट मिला है, हम विंग्स दे सकते हैं तुमको, उड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करना, मिला है, ट्राई योर हार्ड,
कभी कभी क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है ना तो हम आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, वी आर द चोजन वन, कर लेंगे। नहीं, मिला है, यूज इट 100% तुम्हारी फैसिलिटी के लिए, तुम्हारे ही वो है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तुम्हें जो हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग यू रिक्वायर्ड, बट उड़ना तो तुमको ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट ऑल आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम मनीषा संतोष कुलकर्णी है, वो फर्स्ट लड़की जो मेरी पलक कुलकर्णी है, सी इज़ माई डॉटर। मेरे हस्बैंड है संतोष कुलकर्णी एंड ही इज़ माई सन हर्षवर्धन कुलकर्णी। मेरा एक, ये जो सब सर बैठे हैं ऐसा, मैं भी एक छोटे बेसमेंट में छोटे लेवल पे छोटा काम कर रही हूँ, सीनियर सिटीजन केयर पर्सन। जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसकी सेवा कैसे करने की होती है, तो जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं ऐसे मैं घर पे ही, मेरी 8 ऑफिस है, तो हैसिस मेरे पास 150 जितना लेडीज़ का स्टाफ है और 50 के आजू बाजू मेरे पास जेंट्स है। तो सीनियर सिटीजन केयर पर्सन, होम मेकिंग, खाना नाश्ता, एम्बुलेंस सर्विस विथ बेबी केयर, तो तुम्हारे जैसे भी कितने सर है, मेरे कस्टमर है, मेरे हस्बैंड भी केमिस्ट है, पर जीवन में इतनी सारी घटना घट गई ना तो भी हमने हार नहीं माना। पर जो सर ने, मैडम ने बोला है कि परिश्रम करते हैं, आशा है, सपने देखना है, तो जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती तब तक उसके लगाए पीछे रहने का ही है। तो जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं होता है, तो मैं भी आपको एक सपोर्ट में एक ही बोलने वाली हूँ कि अभी आफ्टर 10 ईयर्स पे समय ऐसा आएगा कि जो हार्डवर्क अभी आप कर रहे हो तो उसके दुगना भी नहीं, 10 गुना के 100 गुना करना पड़ेगा, तब आपका लेवल इतना ही होगा। पर अभी से आप एक इतना सपना देख लो कि ये मेरे को करना है, करना है, करना। अगर ये आप पकड़ में रखोगे और करोगे तो मैं भी आपको एक बोलती हूँ कि आप भी अपने मुकाम तक पहुँच सकोगे। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक सपना ऐसा देखा है कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि सब पेरेंट्स वृद्धा आश्रम में रहे, बट ये लाइफ इतनी फास्ट है कि जो लोग अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, पर अभी समय इतना टफ है कि हस्बैंड वाइफ जो भी फैमिली होते हैं तो सबको कमाना जरूरी होता है, तो जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं तो उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है, ऐसे वर्कर है, ऐसे चाइल्ड है छोटे छोटे, कि जो लोग के पास ऐसा माध्यम नहीं होता है। तो मेरे पास अभी आई हैव नो मनी, कि मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास, पर मेरा एक सपना है कि मैं भी एक बड़ा जमीन लूँ, बड़ा मोटा वृद्धाश्रम खोलूँ, और जिसके पास ये सब फैसिलिटी नहीं है तो सब बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले, बस मेरी एक यही इच्छा है। बस जो जो तूने सपना देखा ना, बहुत बड़ा सपना देखा है मैंने। अब तो सुन बात, तेरे को बोलना था तूने बोल दिया, बोल दिया। जो तूने सपना देखा है वो सपना साकार होना चालू हो चुका है, तो आनंद आश्रम तेरे इस सपने को पूरा करने का इंतजार में है, अगले 2 साल में देखा कि क्या होने। दूसरी एक बात, हम जात से मराठी ब्राह्मण है, हम गायत्री परिवार में है, यज्ञ कर्मकांड पूजा सब करवाते हैं, मैं सब बच्चों को एक आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी सब मनोकामना पूरी होए। और एक टाइम ऐसा है कि इधर अभी जितनी लड़कियां बैठी है ना, अपना मुकाम ऐसे बनाओ, क्योंकि ये युग शक्ति है, ये युग निर्माण है, भगवान गुरुदेव खुद चाहते हैं कि अभी युग बदलना है, क्योंकि विष्णु भगवान जो कृष्ण के रूप में बोला है ना कि शक्ति ही ये करते हैं, तो बस यही मेरी आशा है। बस आप भी मेरे को दो कि मैं भी एक माहौल ऐसा बना सकूँ। धन्यवाद।